सेनाओं और सुरक्षा बलों में पंजाब के आर्मी ऑफिसरों का दबदबा रहता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा गया कि इनकी संख्या लगातार कम होती गई, जिसके चलते आर्मी अफसरों की संख्या को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से एक प्रयास मोहाली के महाराजा रंजीत आर्म्ड फोर्स प्रिपेटरी इंस्टीट्यूट का भी है। पंजाब को सूरवीरों की धरती कहा जाता है। देश का इतिहास बखूबी इस बात की गवाही देता है कि पंजाब ने अनगिनत ऐसे सूरवीर देश को दिए जिन्होंने आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वजह है कि देश की सेनाओं और सुरक्षा बलों में पंजाब का कभी दबदबा रहा करता था। हर कोई पंजाब की मिसाल पेश करता था, मगर जैसे जैसे देश आगे बढ़ता गया, इनकी संख्या भी कम होती गई। अब इस कमी को दूर करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। उनमें से एक सराहनीय प्रयास महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्स प्रिपेटरी इंस्टीट्यूट मोहाली भी है। मोहाली स्थित इस इंस्टीट्यूट में 11वीं और 12वीं के छात्रों को निःशुल्क नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए तैयार किया जाता है। इस अकेडमी की खासियत यह है कि यहाँ पर दाखिला लेने वाले छात्रों को महाराजा रणजीत सिंह की तरह निडर और शक्तिशाली बनने के गुर सिखाने के साथ साथ उनके इतिहास को भी छात्रों से रूबरू करवाया जाता है। पिछली अकाली सरकार ने वर्ष 2011 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 11वीं और 12वीं के छात्रों को इस इंस्टीट्यूट में निशुल्क ही एनडीए के लिए तैयार किया जाता है। पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ पर जो छात्र एनडीए के लिए तैयार किए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग और रहने और खाने पीने का सारा खर्चा उनकी तरफ से ही उठाया जाता है। पंजाब की पूर्व अकाली सरकार ने वर्ष 2011 में महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्स प्रिपेटरी इंस्टीट्यूट की स्थापना मोहाली में की। इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट की ट्रेनिंग से लेकर रहने खाने पीने का सारा खर्चा पंजाब सरकार की तरफ से उठाया जाता है, ताकि स्टूडेंट बिना किसी परेशानी के नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने की तैयारी कर सके। वहीं इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए कई नियम भी बनाए गए हैं। दाखिले से पहले एंट्रेंस करवाया जाता है, जिसके लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। एंट्रेंस के बाद 48 अव्वल छात्रों को सिलेक्ट कर फिटनेस टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद ही इंस्टीट्यूट में दाखिला मिलता है और फिर यहीं से शुरू हो जाती है इन छात्रों को नेशनल डिफेंस एकेडमी में भेजने की ट्रेनिंग। महाराजा रणजीत सिंह AFPI के इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं BS गेरेवाल, जिसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस इंस्टीट्यूट में आने के लिए क्या कुछ शर्तें हैं और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी और किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। सर, newsnumber.com में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि एक सराहनीय कदम उठाया गया है पिछली अकाली सरकार की तरफ से, और अब जो है लगातार कार्यभार आपने संभाला है डायरेक्टर का, तो हमें बताना चाहेंगे कि जो ये इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना कब हुई और कैसे जो है बच्चों को यहाँ पर दाखिला मिला। महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट 2011 में शुरू काम किया है। इसका कारण ये था कि पुराने ज़माने में पंजाब के बहुत यूथ आर्म्ड फोर्सेस में जाते थे, लेकिन देखा गया कि आहिस्ता आहिस्ता ये गिनती बहुत कम हो गई और NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी में 2010 में सिर्फ 2% बच्चे पंजाब के थे। ये बड़ी चिंता की बात थी, तो पंजाब सरकार ने ये इंस्टीट्यूट कायम की। इसका मकसद है कि पंजाब के बच्चों को ट्रेनिंग देकर NDA में भेजना। 2011 में हमारा पहला बैच आया और 2013 में पास आउट हुआ। इस तरीके से हर साल 2011 के बाद हम नया बैच लेते हैं। आजकल यहाँ 6ठा और 7वां बैच ट्रेनिंग कर रहा है। इन बैचेस ने काफ़ी कामयाबी हासिल की है और हमारे आज के दिन 82 बच्चे पिछले 4 साल में 2013 से लेकर 2017 तक 82 बच्चे NDA, IMA, नेवल एकेडमी वगैरह में अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से जो है ये एकेडमी जो सराहनीय प्रयास जो है किया जा रहा है ताकि पंजाब के जो युवा हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है दाखिला ले सके और आर्मी जो है ऑफिसर बन सके, तो इसमें शर्तें किस तरीके की रहती हैं, कौन बच्चे जो है यहाँ पर?
सबसे पहली बात यह है कि हम सिर्फ पंजाब के बच्चे लेते हैं। बच्चा 10th क्लास पास होना चाहिए और 17 साल की उम्र से ज़्यादा का ना हो। ये शर्तें रखी गई हैं क्योंकि ये संस्था पंजाब सरकार की बनाई गई है और आगे चलकर इन बच्चों ने NDA में जाना है जहाँ एज लिमिट 19.5 ईयर्स। दाखिले के लिए हम एक एंट्रेंस टेस्ट करते हैं हर साल। ये एंट्रेंस टेस्ट जनवरी के महीने में होता है और ये पंजाब में 3 अलग सेंटर्स में होता है जो कि मोहाली, जलंधर और पटियाला है। तकरीबन 2500 बच्चे हर साल इस एंट्रेंस टेस्ट में हिस्सा लेते हैं। इस टेस्ट के अंदर हम बच्चों को सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में टेस्ट करते हैं, यानी कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स। ये जो 2 सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग का टेस्ट है, इसमें कोई अलग किताब वगैरह प्रिस्क्राइब नहीं है। जो 10th क्लास की किताबें हैं उसी के बेसिस पे एंट्रेंस टेस्ट किया जाता है। एंट्रेंस टेस्ट के रिज़ल्ट के मुताबिक जो पहले 150 बच्चे निकलते हैं उनको हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और इंटरव्यू के बाद हम उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाते हैं और इसके बाद पहले 48 बच्चे सिलेक्ट करके उनकी मेरिट लिस्ट बना दी जाती है और अप्रैल में हमारा सेशन शुरू होता है। जो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है वो हमारे पास आकर 2 साल रहता है। हमारे पास एक बहुत अच्छा हॉस्टल है जिसमें हर बच्चे को अलग कमरा दिया जाता है और कमरे के साथ बाथरूम अटैच है। बच्चा यहाँ 2 साल रहकर 11th और 12th यानी कि +1 और +2 की पढ़ाई भी करता है, साथ ही साथ उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती है, फिज़िकल फिटनेस, ड्रिल, फायरिंग, गेम्स और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बनाई जाती है। जब ये 2 साल की ट्रेनिंग पूरी होती है उसके बाद जो बच्चे NDA के एग्ज़ाम में कामयाब रहते हैं वो NDA चले जाते हैं और जो बच्चे NDA के एग्ज़ाम में कामयाब नहीं होते उनको और कई मौके मिलते हैं आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाने के लिए। उनके लिए हम उन बच्चों को वापस बुलाकर दोबारा ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपने मकसद को हासिल कर सकें। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पर रहने का बंदोबस्त भी एक एक स्टूडेंट के लिए अलग से किया गया है, उनकी डेवलपमेंट की जाती है, स्किल डेवलपमेंट की जाती है, लैंग्वेज की डेवलपमेंट की जाती है, खाना किस तरीके से खाना है उसकी डेवलपमेंट यहाँ पे करवाई जाती है, तो उसका खर्चा कितना एक बच्चे का उठाना पड़ता है और क्या ये शिक्षा जो है, ये जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं ये मुफ्त में? हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में सारे खर्चे पंजाब सरकार की तरफ से किए जाते हैं। हम बच्चों से कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन सिर्फ जो बच्चे 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करते हैं उसके लिए बच्चे एक स्कूल में जाते हैं। स्कूल का नाम है शेमरॉक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि यहाँ मोहाली सेक्टर 69 में है। तो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं और स्कूल का खर्चा बच्चों को देना पड़ता है जो कि तकरीबन पूरे साल का खर्चा 40,000 रुपये पूरे साल का खर्चा। इंस्टीट्यूट में कोई खर्चा नहीं है, खाना पीना रहना वर्दी ट्रेनिंग सब कुछ पंजाब सरकार की तरफ से मुफ्त की जाती है। खर्चा कितना उठ जाता है सर एक बच्चे का अगर मान के चले? हमारा सालाना खर्चा एक बच्चे पे तकरीबन 1.5 लाख रुपया है और ये तमाम पैसा, तकरीबन 100 बच्चे हमारे पास 90 बच्चे रहते हैं, ये तमाम पैसा हमको पंजाब सरकार से मिलता है। तरीके से ये संस्था 2011 में जो है बनकर सामने आई, युवाओं को जो है लगातार आर्मी में जाने का जो है एक प्रयास यहाँ पे लगातार जारी है, तो ऐसे में जो है किसी और दूसरे राज्य ने आपसे संपर्क किया? जी, कई एक राज्यों ने इसके बारे में जानकारी ली है हमसे और वो चाहते हैं कि इस किस्म की संस्था उधर खोली जाए। कहाँ तक ये पहुँचे हैं मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमको क्वेरीज आई हैं। राजस्थान सरकार के जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं वो खुद इधर आए थे, उनकी ब्रीफिंग की थी। नीति आयोग सेंटर की तरफ से एक सेक्रेटरी मैडम आए थे, उन्होंने भी इस इंस्टीट्यूट में दिलचस्पी दिखाई थी। बाकी जो स्टेट्स हैं, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, आप हैरान होंगे, सिक्किम से हमको एक क्वेरी आई थी
मध्य प्रदेश, तो कई एक स्टेट्स ने ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी ली है हमसे और चाहते हैं कि इस किस्म की संस्था उधर भी बनाई जाए। जिस तरीके से अगर हम बात करें इस संस्था की, तो ये माना जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि जो मुफ्त में यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, रहने का खाने का सभी बंदोबस्त जो है फ्री में किया जाता है, NTA के लिए तैयार किया जाता है, तो अपने आप में देश की पहली ऐसी संस्था। देखिए, पूरे देश में 24 सैनिक स्कूल हैं, 5 मिलिट्री स्कूल हैं, एक देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, ये भी इस किस्म की ट्रेनिंग काफ़ी सालों से देते आ रहे हैं। बाकी महाराष्ट्र में एक इंस्टीट्यूट है जिसे सर्विसेज प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट SPI कहते हैं, वो भी इस किस्म की ट्रेनिंग देती है। और मैं ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट की सफलता को देखकर पंजाब में भी दो नई इंस्टीट्यूट्स खुली हैं जो इस किस्म की ट्रेनिंग देती हैं, ये प्राइवेटली चलाई जाती हैं। एक इंस्टीट्यूट शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से फतेहगढ़ साहब में खुली है, एक इंस्टीट्यूट खडूर साहब में एक बाबा सेवा सिंह जी ने चलाई है, निशाने सिखी प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट। तो इस किस्म की कई एक संस्थाएं अभी हैं जो ऐसी ट्रेनिंग देती हैं। सर, खर्चे की अगर बात करें, जैसे ये इस संस्था की हम बात करें, तो आप लोगों की तरफ से जो है पंजाब सरकार खुद इस का बीड़ा उन्होंने उठाया है, मुफ्त में जो है ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पर। जो दूसरी संस्था की आप बात करते हैं, वहाँ पर तो चार्जेस लेते हैं? जी हाँ, ये जो बाकी संस्थाएँ हैं इनमें चार्जेस होते हैं, कुछ संस्थाओं में सब्सिडाइज है, लेकिन इस किस्म का मॉडल जहाँ सब कुछ मुफ्त हो, ये एक बहुत यूनिक इंस्टीट्यूट है। पहला, ये थे हमारे साथ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर PS गेरेवाल जी, जिनका कहना है कि देश की ये अपने आप में पहली ऐसी संस्था है जहाँ पर बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती है, रहने खाने का सारा खर्चा जो है पंजाब सरकार की तरफ से उठाया जाता है, और NTA के लिए जो है बच्चों को यहाँ पे तैयार किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ मोहाली से newsnumber.com के लिए ईशा ठाकुर। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए जितना अहम रोल फिजिकल एक्टिविटीज का रहता है, उतना ही रोल डाइट का भी रहता है। इस इंस्टीट्यूट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है और किस तरीके की डाइट यहाँ पर दी जाती है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं कि, और खाने का भी जो है डाइट एक शेड्यूल यहाँ पर बनाया गया है और हर हफ्ते जो है ये शेड्यूल चेंज किया जाता है। इंस्टीट्यूट में छात्रों को 2 सालों में नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए तैयार किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट करवाई जाती है, साथ ही वो सभी कोर्स सिखाए जाते हैं जो NTA में जाने और एक आर्मी ऑफिसर के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पंजाब के आर्मी ऑफिसर समय समय पर आकर छात्रों को कई कोर्स सिखाते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग सुबह शाम दी जाती है, जिसमें PT के साथ साथ हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शूटिंग, स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं फिटनेस के साथ साथ डाइट का भी खासा ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ के लिए बकायदा टाइम टेबल बनाया गया है। मेरा नाम कैडेट गुरप्रताप सिंह ढिल्लो है, मैं लुधियाना से हूँ। मेरा AFPA में सेकेंड टर्म है, जो कि मैं 12th में पढ़ रहा हूँ। पिछले साल 2016 में भी मैंने AFPA का पेपर दिया था रिटर्न, जिसके बाद मेरी इंटरव्यू हुई थी, फिर मेडिकल, और मेरिट लिस्ट में फिर मैं टॉप 48 में आया था, जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी। AFPA में हमारे को एक शेड्यूल बना के दिया जाता है, जिसमें एक हफ्ते का अगले का शेड्यूल पहले से ही हमें नोटिस बोर्ड पर लगा होता है। तो उसमें हमारी सुबह से लेके शाम तक की सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। हमारा सुबह PT होती है या ड्रिल होती है, स्टडी पीरियड भी कभी कभी होता है जब हमें पढ़ाई का हमारे पेपर्स आते हैं। मेरा नाम DCC हरमीत कुमार गर्ग है, मैं बठिंडा ज़िला के एक छोटे से गांव भक्ताबाई से आया हूँ। मैं AFPI में, मेरा ये सेकेंड टर्म है, इसलिए मैं +2 क्लास में पढ़ता हूँ। AFPI की सिलेक्शन के लिए मेरा सबसे पहले रिटर्न हुआ था, उसके बाद एक इंटरव्यू, फिर मेडिकल, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी, जिसमें कि टॉप 48 को AFPA में ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया था। हमारे अकेडमिक्स शमरॉक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होते हैं, हम वहाँ पे PCM सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो कि नॉन मेडिकल के होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। हम स्कूल में जाके CBSE की तैयारी करते हैं, उसके साथ साथ ही अकेडमी में हमारी NTA रिटर्न की तैयारी होती है, जो कि इम्पैक्ट के द्वारा करवाई जाती है। मेरा नाम BCC शुभदीप सिंह औलख है, मैं बठिंडा से हूँ।
मैं अभी यहाँ पे दूसरे साल में हूँ AFPA के, और मैं साथ ही साथ 12वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ पे पिछले साल ज्वाइनिंग की थी, उसके लिए मेरा एक रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, साथ में मेडिकल प्लस एक फाइनल मेरिट लिस्ट थी जिसके द्वारा मैं यहाँ पे सिलेक्ट हुआ। AFPA के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है वो है हमारे को किस तरीके से बदला जाता है। हम यहाँ आने से पहले काफ़ी अलग अलग चीज़ों के अंदर अच्छे होते थे, कुछ में नहीं होते थे। यहाँ आने के बाद मुझे अपनी खामियों के बारे में पता लगा है, जिसके द्वारा मुझे ये भी पता लगा है कि मैं कैसे उन्हें बेहतर कर सकता हूँ, और मुझे ये भी पता लगा है कि कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए। महाराजा रणजीत सिंह AFPI में छात्रों की साइकोलॉजिकल क्लास भी लगाई जाती है ताकि किसी छात्र में कोई गलत आदत पड़ी हो तो उसे सुधारा जा सके। वहीं इस इंस्टीट्यूट के कई ऐसे छात्र हैं जो NDA में प्रवेश करने के बाद आर्मी ऑफिसर बन चुके हैं। यही नहीं, इसी साल इंस्टीट्यूट के शशांक शर्मा ने NDA के एग्जाम में इंडिया में टॉप किया है। इस एग्जाम में 5 लाख स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था। इंस्टीट्यूट में NDA की ट्रेनिंग के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी जाती है। मेरा नाम है ब्रिगेडियर कंवर दिलवीर सिंह, और जैसे कि आपको मालूम है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए नहायत ही ज़रूरी है कि आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड SSB को क्लियर करें। तो ऑफिसर बनने के लिए SSB पास करने के लिए 3 बहुत ही नहायत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक है, पहला 5 दिन का टेस्ट होता है, उसमें ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो है उनका एक टेस्ट होता है, जिसमें कि फील्ड इवेंट्स जो आप आउटसाइड देखा जाता है इंडिविजुअल को, और उसके बाद होता है साइकोलॉजिकल सीरीज, उसके साइक टेस्ट होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे का जो है साइको इंटेलेक्चुअल सिस्टम्स किस तरह से चल रहे हैं, कि वेदर दे आर फिट है फौज के लिए कि नहीं। इसी तरह से फिर फेस टू फेस इंटरव्यू भी होती है। तो ये सिलसिला जो है 5 दिन का होता है जिसमें कि बच्चा इसको क्लियर करता है। हमने महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट जो पंजाब ने बनाया है, इसमें बच्चे 10वीं में ले रहे हैं और उनको 11वीं और 12वीं करवा रहे हैं। एंड जब वो 12वीं में आता है फिर हम इनको पहला 11वीं में इनको अकेडमिक्स के ऊपर बहुत ज़ोर होता है, इनको थोड़ा बहुत हम एक्सपोजर देते हैं, इनको चेक भी करते हैं कि वेदर इनका साइकोलॉजिकली ठीक है बच्चे या कोई उसमें कमी पेशी है। 12th में जब बच्चा आता है फिर इनकी हम प्रॉपर एक्चुअली ट्रेनिंग देते हैं, जो कि इट्स अ मल्टीफेरस टाइप ऑफ ट्रेनिंग, जैसे कि उसमें मोटिवेशनल ट्रेनिंग है, लीडरशिप ट्रेनिंग है, राइट, देन आर्ट ऑफ स्टडी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और यहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं महावीर चक्रास, परमवीर चक्रास, आर्मी कमांडर्स, वो आके इनको लेक्चर देते हैं। और फिर हम इनको सबसे ज़रूरी जो चीज़ करवाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसमें जो मेरा फील्ड है साइकोलॉजिकल फील्ड, हम फिर उसमें चेक करते हैं कि बच्चे का जो है एटीट्यूड, बिहेवियर, इंटरेस्ट्स और मैनिफेस्टेशंस किस तरफ जा रहे हैं। अगर हम नोटिस करते हैं कि बच्चा जो है, पहली चीज़ जो गलतियां पाई जाती हैं उसमें अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो 3 पार्ट में कर सकते हैं। सबसे पहले होता है एब्रेशंस। एब्रेशंस मतलब अगर नॉर्मल से थोड़ा दाएं बाएं है बच्चा तो उसको कैसे सीधा किया जाए। दूसरा हम देखते हैं लिमिटेशंस। अगर वो दाएं बाएं से और ज़्यादा एंगल दे रहा है पर जो करेक्ट किया जा सकता है उसको बोलते हैं लिमिटेशन। बट जो तीसरी चीज़ है एंगुलैरिटी, दैट मीन्स एक बच्चा जैसे आपने डाउट पैदा किया था, ड्रग्स में चला गया या उसका माइंड बिल्कुल नेगेटिव चलता है, हेरा फेरी की तरफ चलता है, चोरी की तरफ चलता है, सुइसाइड की तरफ चलता है, तो ये जो बच्चा होता है ये फिर एंगुलैरिटी में आ जाता है। ऐसे बच्चे को हम नहीं रखते हैं, उनको निकाल देते हैं, बिकॉज वो ऐसा बच्चा ऑफिसर नहीं बन सकता, वो वैसे भी वीड आउट हो जाएगा। सो हमारा काम ये है कि पहली बात जब बच्चा 12th में आया उनको हम चेक करते हैं कि ये इस कैटेगरी में तो नहीं फंसा, लिमिटेशन एब्रेशन है या लिमिटेशन है या एंगुलैरिटी है, किस में है ये बच्चा। मैं ब्रिगेडियर RS गरेवाल हूँ। मैं महाराजा रणजीत सिंह आर्म फोर्सेज प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट में एज ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर कम स्क्वाड्रन कमांडर ब्रावो स्क्वाड्रन की ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरा बेसिक जो चार्टर है वो कंप्लीट ट्रेनिंग, इस इंस्टीट्यूट की कंप्लीट ट्रेनिंग की जिम्मेवारी मेरे पास है। ट्रेनिंग के अंदर आपको जैसे बताया है कि हमारे पास बच्चे 11th और 12th के लिए 2 साल के लिए रहते हैं आफ्टर 10th,
आउटडोर ट्रेनिंग है, आउटडोर ट्रेनिंग में जिसमें कंप्लीट स्पोर्ट्स गेम्स प्लस हम कई सेमिनार करते हैं जिसमें उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ हम उनमें अपना इंस्टिल करते हैं। ये सेमिनार्स लीडरशिप सेमिनार है, कम्युनिकेशन स्किल सेमिनार, आर्ट ऑफ स्टडी, मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर और मिलिट्री हीरोज़ के ऊपर अपना हमारे सेमिनार्स होते हैं और हम कई गेस्ट स्पीकर्स अपना इंस्टीट्यूट में बुलाते हैं और गेस्ट स्पीकर्स हैं हमारे बड़े सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स जिनका इतना उम्दा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, वो आके अपना बच्चों को एड्रेस करते हैं, उनके साथ अपना बातचीत होती है और एक वो एक ज़रिया है जो हम बच्चों के पास अपना उनकी नॉलेज उनके पास पहुँचाते हैं। मोहाली के इस इंस्टीट्यूट ने इस तरह से मिसाल पेश की है कि देश के अन्य राज्य सरकारें भी इस तरह के इंस्टीट्यूट को बनाने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। यही वजह है कि मोहाली आकर इंस्टीट्यूट की कार्यप्रणाली को भी वो देख चुके हैं। इंस्टीट्यूट की एक और खासियत ये है कि जो स्टूडेंट NDA में जाने से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए ये इंस्टीट्यूट आर्मी ऑफिसर बनने के लिए अन्य विकल्प तराशती है। पंजाब के युवाओं का नाम हमेशा ही ड्रग्स के साथ जोड़ा जाता है और इस मुद्दे को राजनीतिक तूल भी दिया जाता है, मगर जिस तरीके से पंजाब के युवा इस संस्था में NDA की तैयारी के लिए बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, उससे साफ तौर से ये नजर आता है कि जो आरोप पंजाब के युवाओं में लगाया जाता है वो बिल्कुल निराधार है।